सो हेलो वाईटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटर्स गुरु। और आज एक फिर से नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं बजाज N160 डुअल चैनल ABS वाला जो वेरिएंट है उसके बारे में डिटेल वाइज। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जल्दी से, टाइम वेस्ट करें बिना। सो गाइज, ये है बजाज पल्सर N160 न्यू डुअल चैनल ABS वाला वेरियंट। सो आज हम इसके बारे में डिटेल वाइज आप सभी से बात करेंगे और इसके फीचर्स आप सभी को बताएंगे। पहले ये नॉर्मल सिंगल चैनल ABS में आता था, अब इसमें आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में डिटेल वाइज। सो गाइस, बात कर ले सबसे पहले फ्रंट की, तो फ्रंट में आपको स्पीड इन्वर्टर देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो नंबर प्लेट की पोजीशन देखने को मिलती है यहाँ पे। और इसके बाद अगर बात करें इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर्स आपको इसमें हैलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। नीचे जाते हैं तो आपको डिटेल वार्निंग लाइट्स देखने को मिल जाती है, प्लस बाईबीम प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प देखने को मिल जाती है ये फ्रंट में आपको, और जो कि काफ़ी लुकिनाइज कर देती है। प्लस साथ ही साथ थोड़ा नीचे चले तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक शॉकर देखने को मिलता है जो कि 37mm के हैं। और अगर नीचे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मडगार्ड डुअल टोन में मिलता है, प्लस मैट और ब्लैक का, मतलब मैटी और शाइनी, प्लस रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखिए आपको स्टिकर। प्लस साथ के साथ नीचे अगर डिस्क की अगर बात करें, डिस्क आपको यहाँ पे 300mm की डिस्क देखने को मिल जाती है, और साथ के साथ रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। और ग्रेमिका का इसमें जो ABS है वो आपको देखने को मिल जाता है, डुअल चैनल ABS की अगर हम बात कर रहे हैं अभी। ये टायर साइज़ की अगर बात करें तो टायर साइज़ आपको 100x80 का, आपको 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया है इस सेगमेंट के अंदर, सही मिल रहा है, अच्छा साइज़ का है, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में आपको देखो यहाँ पे पल्सर लिखा मिलता है जो कि 3D में देखने को मिल जाता है, जो कि लुक को काफ़ी इन्हांस कर देता है। एंड साथ के साथ नीचे आपको देखें यहाँ पे रेड एंड वाइट कलर का जो स्टिकर देखने को मिलता है काफ़ी बढ़िया। साथ के साथ आपको हॉर्न देखने को मिल जाता है, साइड में DTSI का जो इंजन है इसके हम बात करेंगे, प्लस आपको नीचे इंजन प्रोटेक्शन गार्ड भी मिल जाता है देखने को। इसके बाद अगर बात करें इसके फ्यूल टैंक की, तो फ्यूल टैंक में देखिए मैट और शाइनिंग का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, प्लस जो फ्यूल टैंक है 14 लीटर का फ्यूल टैंक है जिसके एवरेज अप्रॉक्स 50-55 के आसपास के एवरेज है। सो गाइस, बात करें अगर सीट की क्वालिटी की, सीट क्वालिटी काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाती है इसमें, आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है। प्लस सीट हाइट की अगर बात करें, 790mm का आपको इसमें सीट हाइट देखने को मिल जाती है, प्लस N160 लिखा हुआ देखो स्टिकर देखने को मिलता है यहाँ पे। प्लस अगर बात करें पीछे ग्रैब ग्रिल काफ़ी बढ़िया स्प्लिट देखने को मिल जाती है, अलग अलग दो ग्रैब ग्रिल्स जो कि काफ़ी लुक एनहांस कर देती हैं। प्लस अगर इसके बाद अगर बात करें हम इसके पीछे थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे मडगार्ड आपको देखने को मिल जाते हैं दो ये फ्रंट में यहाँ पे, और एक पीछे भी देखने को मिल जाता है। प्लस इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें जो डिस्क दी हुई है, पीछे वाली जो डिस्क है इसकी अगर साइज़ की बात करें, तो पीछे वाली 280mm की आपको डिस्क देखने को मिल जाती है विथ ABS। प्लस टायर साइज़ की अगर हम इसमें अगर बात करें, तो टायर साइज़ इसमें आपको देखने को मिलता है 130x70 का, 17 इंच का टायर पीछे भी देखने को मिल जाता है आपको। प्लस अगर बात करें इसके शॉकर की, रियर वाली, फ्रंट की तो मैंने आपको बताया था, रियर की अगर शॉकर की बात करें तो रियर शॉकर जो इसमें आपको मोनो शॉकर देखने को मिल जाता है विथ नाइट्रॉक्स। प्लस इसमें आपको देखिए साड़ी गार्ड देखने को भी मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। अब इसके बाद अगर हम देखें साइड की प्रोफाइल को, तो साइड की प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। प्लस अब हम इसमें देखिए आगे, देखिए इसमें स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर जो कि बहुत ही बढ़िया इसमें देखने को मिल जाता है। इसमें आपको डुअल ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कि इसमें डिजिटल भी देखने को मिलेगा, एनालॉग भी देखने को मिलेगा, और सारे ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, मीटर सब कुछ, मतलब एवरीथिंग और ऑलमोस्ट सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। प्लस अगर बार हैंडल की बात करें, तो कंफर्टेबल बार हैंडल है, अच्छी क्वालिटी का आपको देखने को मिल जाता है। अगर बात करें मिरर्स की, तो ये भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के देखने को मिल जाते हैं, तो लुक्स काफ़ी अच्छी हैं इस गाड़ी की अगर बात करें तो। सो गाइस, अगर बात करें इसके रियल टेल लैंप की, तो टेल लैंप इसमें आपको LED टेल लैंप देखने को मिल जाते हैं विद ग्लिटर पैटर्न, और काफ़ी बढ़िया लुक देता है ये, ठीक है। इसके बाद अगर गियर बॉक्स की बात करें, तो 5-speed ट्रांसमिशन इसमें आपको देखने को मिल जाता है। और बात करते हैं अब इसके इंजन की, और इसके जो डायमेंशन है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंजन की बात करते हैं, तो इसमें आपको सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलता था, 4-stroke SOHC, और 2-valve इसमें आपको देखने को मिल जाता है, ऑयल कूल्ड इंजन है FI। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो इसमें आपको 164.82 cc का इंजन देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम पावर की अगर बात करें, तो 16 PS पावर एट द रेट ऑफ 8750 RPM पे, और मैक्सिमम टॉर्क की बात करें, तो 14.65 Nm इसका टॉर्क देखने को मिल जाता है एट द रेट ऑफ 6750 RPM पे। अगर बात करें इसके डायमेंशंस की अगर बात करें, तो 1358 का आपको mm का इसमें आपको व्हील बेस देखने को मिल जाता है। सीट हाइट मैंने आपको बताई थी 795mm की, और ग्राउंड क्लियरेंस में आपको 165mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। बात कर रहे हैं इसके कर्व वेट की, तो 154 का आपको इसमें केजी का आपको इसमें वेट देखने को मिल जाता है डुअल चैनल जो आता है, और सिंगल चैनल जो आता है उसमें 152 kg का आपको वेट देखने को मिल जाता है। सो गाइस, ये सारी सारी डिटेल जो है ये आपको डिटेल वाइज आपको सभी को बता दी है, इसके इंजन के बारे में, इसके डायमेंशन वगैरह सब चीज़ों के बारे में मस्त करके बता दिया है। सो गाइज़, अगर इसके प्राइसिंग वगैरह की बात करें, तो सब कुछ आपको स्क्रीन पे मेंशन हो रहा होगा, आप देख सकते हैं डिटेल वाइज इसके प्राइस के, जो एक्स शोरूम है और इसका जो ऑन रोड है दिल्ली का जो ऑन रोड है, सारा कुछ आपको देखने को मिल रहा है इसके, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं।
सो ये जो प्राइसिंग है ये दिल्ली की ऑन रोड है और एक्स शोरूम पैन इंडिया सब जगह सेम रहता है, सो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। सो गाइज आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आ गई होगी और डिटेल वाइज बताया है सब कुछ, डायमेंशन वगैरह सब कुछ बता दिया है, सब सारे फीचर्स बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस पर जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे इस चैनल को और जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दो जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय गाइज़।